Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, hey, wake up. तो गाइस मॉर्निंग हो गई है अभी, बस अपना काला घोड़ा भी तैयार हो गया है, वो बैकपैक तो आपने देख लिया है, तो मैं बाकी बातें करूंगा गाड़ी में। तो अभी घर वालों को बाय बाय करते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं घर से और देखो मॉर्निंग हो रही है गाइस, तो अभी जा रहा हूँ मैं अपनी पब्लिक को उठाने। तो सारे लोगों को उठाने के बाद में ब्लॉग बना, तो चलते हैं गाइस, सबको उठाने के बाद मिलता हूँ मैं अभी आपको। सो है गुड मॉर्निंग गाइस, और हम आ चुके हैं नर्मदा जी को प्रणाम करने। तो ये भाई अपनी सारी पार्टियां देख लो, अपने जस्टिन भाई, अपने क्षितिज भाई, छोटू और मिक्की वहां पे ब्लॉग बना रहा, और मैं रवि आपका। तो ऐसा कुछ ब्लॉग भाई स्टार्ट हो रहा है हमारा, हमारी जर्नी यहां से, हम मां नर्मदा के घाट से शुरू कर रहे हैं और सूरज देवता को भी नमस्कार करते हुए निकल रहे हैं अपनी ब्लैक बीस्ट से। तो हमें जाना यही रूट गाइस, नागपुर साइड चलेंगे, फिर मैं बाकी बातें रास्ते में करते रहूंगा। तो ऐसा कुछ है भाई, देखो इतने लोग जा रहे हैं तो बाकी बात गाड़ी में करेंगे। तो थोड़ा सा दर्शन कर लें और फिर निकलते गाइस, बहुत लंबा सफर है ये वाला, तो बहुत मजा आने वाला है गाइस इस ट्रिप में देखो अभी। सो गाइस हम आ चुके बैतूल के पास आ गए हैं, और रोड तो यहाँ तक का दिक्कत है बस बैतूल का, बाकी उसके आगे तो नागपुर तक तो बहुत क्लीन रोड एकदम, कोई लोड नहीं आएगा मतलब। तो बस फ्यूल करवाते हैं और चलते हैं गाइस। हम आ चुके हैं नागपुर से बहुत ही करीब, लगभग 20-25 किलोमीटर नागपुर बचा है, और अभी समय हो रहा है लगभग 9:45, काफी जल्दी हमने कवर कर लिया नागपुर। तो अभी चलते गाइस आगे और नाश्ता वास्ता करते हैं, कहीं थोड़ा सा भूख लगी क्योंकि सुबह से कुछ खाकर नहीं आए हम लोग। और जस्ट हमारे पीछे हमारी गैंग्स, गैंग ऑफ वासेपुर, गैंग ऑफ होशंगाबाद नर्मदापुरम। तो चलते गाइस आगे, और अपनी बीस देखो भाई, मिक्की डांस करके बता ये। A few inches later. तो गाइस अभी हम रुके हैं ये हाईवे पे जो कि जा रहा है कहाँ, रायपुर। तो एक भैया है जो कि साइकिलिंग करते हैं, देखो वो भी ब्लॉग बनाते हैं, हमें वो मिले अभी जस्ट। हेलो भैया, अभी कहाँ से आ रहे हो आप? मैं काफी जगह करके आ रहा हूँ सर जी, जैसे कि आपका उत्तराखंड मैंने पूरा ट्रेवल किया साइकिल से, उसके बाद मैं जम्मू एंड कश्मीर गया था, उसके बाद लेह लद्दाख गया था, खारदुंगला चढ़ा मैं, इससे इंडिया का फ्लैग लगाया मैंने खारदुंगला पे, उसके बाद हिमाचल आ गया था, हिमाचल से दिल्ली, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, फिर राजस्थान, पूरा रेगिस्तान, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, चंडीगढ़, साई बाबा, कर्नाटका, केरला, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोड़ी, उसके बाद चेन्नई, तिरुपति, देन बेंगलोर, देन हैदराबाद, रायपुर है ना, नागपुर, 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 देन गोइंग रायपुर। ओके तो भाई स्पीचलेस है यार भाई, इतना ज्यादा मतलब प्राउड, मतलब भैया से मिलके इतना ज्यादा खुश हो रहा हूँ ना मैं कि यार साइकिल पे बंदे ने यार इतना दूर ट्रेवल कर लिया, कितने शहर, कितनी जगह, डेस्टिनेशन कवर कर ली, जो कि लोग ट्रेन बाय कार बाय रोड नहीं कर रहे यार, मतलब इतना भैया ने कवर किया है। भैया आप कहाँ, प्रॉपर कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मतलब उज्जैन से हो? अरे क्या बात है, बस उज्जैन हमारे यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर कुछ है, तो भैया प्रॉपर उज्जैन से। जय श्री महाकाल भैया। चलो भैया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके, तो हम भी भैया से थोड़ा सा इंस्पायर हो गए हैं अभी। तो हम तो खैर कार से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया को यार सल्यूट है, दिल से सल्यूट भैया, जय हिंद भैया। तो बस भाई थोड़ी देर में यहाँ पे चलते हैं हम भी आगे, और बस आके मिलता हूँ मैं आपको। सो गाइस हम आ चुके हैं 419 किलोमीटर, 419 किलोमीटर, और यहाँ पे ढाबा है, तो बस गाइस यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, और अभी टाइम हो गया 1 बज गए। वैसे बीच में क्या है ना दिक्कत ये कि स्टेट हाईवेज वगैरह मिलते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी जगह पर रोड बन रही है ना तो गाड़ी स्लो चलानी पड़ रही, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा लंबा टूर मतलब ट्रैवल कर सकते हैं हम। तो अभी चलते गाइस, बहुत भूख लग रही है क्योंकि नाश्ता वास्ता कुछ करके नहीं आए थे, तो अभी सब लोग भाई लोग वहाँ चले गए हैं, तो मिलता हूँ मैं अभी आपको भाई बाहर, और चलते गाइस खाना खाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे बैठे हैं ढाबे के अंदर, तो जैसा कि भाई मैंने अभी तो आपको बताया नहीं कि मैं जा कर रहा हूँ, मतलब हम लोग जा कर रहे हैं, तो गाइस हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी, जय जगन्नाथ। तो भाई यहाँ से अभी अप्रोक्स हमें 700 किलोमीटर रोड ट्रैवल करना है, जो कि हमने 418 कुछ अभी ट्रैवल कर लिया है, तो रात हो जाएगी पहुँचने में, लेकिन आज ही पहुँचेंगे हम, अगर हाईवे बहुत अच्छा रहा ना तो भाई आज ही पहुँचेंगे। बाकी अभी भाई बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना वाना खाते हैं, तो चलते गाइस, और बहुत मज़ा आने वाला, पूरी
आपको पुरी तो पता ही है, उड़ीसा में जो कि समुद्र के बाजू में है जगन्नाथपुरी। तो मंदिर के बारे में बात मैं वही जाके करूँगा, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ ट्रिप का एंजॉय कीजिए आप। बस रोड वोड देखिए, हाईवे देखिए, जगह कैसी भी देखिए। वैसे रोड तो भाई ऐसी है कि जैसे बुधनी अपने आसपास जो घूमते ना अपन, बुधनी है, जबलपुर है, यही वाले हाईवे जैसे, लगता ही नहीं कि बाहर आ गए यार। बाकी हम अभी महाराष्ट्र में हैं, तो अभी यहाँ से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर के आसपास छत्तीसगढ़ बॉर्डर हम क्रॉस करने वाले हैं। तो बस अभी खाना खाते गए, तो फिर मिलता हूँ मैं आपको। तो तीन बॉर्डर हम पार करने वाले हैं, तीन स्टेट हम जाने वाले हैं। तो लेट्स गो गाइस, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस जस्ट अभी खाना खा के निकले हैं, और सॉरी यार हम बता नहीं पाए खाना, क्योंकि इतनी तेज भूख लगी थी कि क्या ही दिखाते हैं, फिर हमने सोचा खाना खा के निकल जाते हैं। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, देवरी है, देवरी में खड़े हैं हम। तो गाइस हम आ चुके हैं रायपुर से कुल 20 किलोमीटर। तो भाई सीजी हम आ चुके हैं अंदर, और अभी लगभग हम चल चुके हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाओ, 533 किलोमीटर हम हमारे घर से हैं। बस हमारा थोड़ा खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, खाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा कवर कर लेते। तो लगभग हमें 1300 किलोमीटर आज ड्राइव करनी है, तो आधा भी नहीं हुआ अभी, नहीं नहीं 1200 कुछ समथिंग करनी है। तो बस चलते हैं गाइस आगे, अभी तो ट्रैफिक में खड़े, देखो दिखा दो भाई ट्रैफिक ऐसा कुछ गाइस। और जनता जनार्दन सो रही है पीछे, दो तीन। तो मिलते हैं गाइस आगे, लेट्स गो गाइस। सीजी बॉर्डर भी हम क्रॉस करने वाले हैं कुछ देर में, अभी बताता हूँ मैं आपको, फिर हम जाएंगे ओडिशा गाइस, बाय बाय। तो गाइस ये है अपना रायपुर, देखो भाई साहब क्या तो सिटी है यार। और बस यहाँ से निकलते हैं, बस ये शाम को थोड़ा सा ट्रैफिक की दिक्कत रहती है और कुछ नहीं। सो गाइस हमने यहाँ पे स्टॉपेज लिया है, मिक्की भाई इन भाई लोगों को चाय पीना था। और हम देखो अभी कहाँ पे हैं, हम हैं यहाँ पे, देखो रायपुर यहाँ पे है और हम यहाँ पे आ गए हैं। ये गांव का नाम है जोगी डीपा, और हमारा देखो घर कितनी दूर है गाइस, घर ये है हमारा यहाँ पे है। तो मतलब आधा सफ़र हमने ऑलमोस्ट तय कर लिया है, और यहाँ जाना है हमें। तो थोड़ा नाइट हो जाएगा, पहुँच जाएंगे लेकिन। तो भाई चाय वाय तो आ गई है, तो बस इनको चाय पीने दो, फिर निकलते हैं थोड़ी देर से यहाँ पे, पानी वानी चाय वाय पीते हैं और बस निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपनी तीसरी मंजिल पे, मतलब तीसरी मंजिल बोले तो तीसरा हमने स्टेट भी कवर कर लिया है। अभी देखो गाइस 12 घंटे हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए हमें, बस एक दो बार रुके होंगे हम, बाकी 12 घंटे कंटिन्यूस गाड़ी चलाई है। और मिक्की दिखा दो कितने किलोमीटर अभी कवर किया भाई, दिख रहा है 757.4 आ चुके हैं। और अभी फ्यूल के लिए ब्लिंक वापस होने लगा है, तो हमें फ्यूल कराना है। बाकी आप बने रहे ब्लॉग में। और भाई थकान की बात करें तो बिल्कुल भी ऐसा कोई लग नहीं रहा कि भाई गाड़ी रोक के हम आराम करें, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। तीन स्टेट कूद के आए भाई आज, एक ही दिन में होता है महाराष्ट्र, एक अपनी छत्तीसगढ़, और अभी उड़ीसा, एमपी से आए, एमपी चौथी है ही अपनी, मतलब एमपी गिनेंगे नहीं अपन, लेकिन है। तो गाइस मिलते हैं, तो गाइस हम आ चुके हैं जियो डीजल सॉरी फ्यूल स्टेशन पे आ चुके हैं। तो भाई गाड़ी अपनी है हाथी, बहुत डीजल चाहिए उसको। अभी 750 किलोमीटर हम चले हैं, और लगभग यहाँ पे से 400 किलोमीटर जगन्नाथपुरी बचा है। रोड एकदम बहुत तगड़ी है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक भी कम है, गाड़ी में लोड भाई अपनी बड़े चक्की गाड़ी है तो कोई लोड ही नहीं, अपनी बीस्ट से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई स्ट्रगल लग ही नहीं रहा, बिल्कुल थकान भी नहीं हुई, पूरी पब्लिक भी ऐसी बैठी है। और अभी फिर से फ्यूल हो रहा है, देखो दिखा दो कितने का हुआ भाई, 5000 से ऊपर का ही होगा। देखो जब मैं घर से आया था ना, तो मेरी गाड़ी में मतलब आधा फ्यूल था, लगभग आधे से थोड़ा कम था, आधे से ज़्यादा था। हमने एक बार फ्यूल कराया था बैतूल में, अब ये दूसरी बार हम यहाँ पे करा रहे हैं, ये जो कि है उड़ीसा बॉर्डर के पास ही, ये कौन सा गांव है पता नहीं, अभी तो इतना पता नहीं, बाकी उड़ीसा में हम आ चुके हैं गाइस। तो बस फ्यूल हो जाए बस, और निकलते हैं 2 मिनट में बस, अभी हवा हवा भी चेक करा लेंगे थोड़ा बहुत लगेगा। तो भाई हवा भी डालना है, देखो 35 हो गई ऑटोमेटिकली, शायद मैंने 34 डाला था इसमें, देखो। तो भैया चेक कर रहे हैं हवा, गाड़ी का हाल देखो भाई, मच्छर ही मच्छर चिपक गए, देखो ये पूरे मच्छर हैं, यही है टेक्सचर नहीं है, मच्छर है पूरा ग्लास पे भी देखो सब जगह। तो ये तो अभी साफ किया इसको पूरा, नहीं तो बहुत गंदा हो गया था गाइस। तो बस चलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से, हवा हवा करवा के कुछ देर में ही निकलते बस। देखो पता नहीं क्या लिखा है ये, आपको आता है पढ़ना तो पढ़ लो। A few inches later. So guys,
तो रात के डिनर के लिए हम रुके हैं अभी एक ढाबा है जो कि है लगभग जगन्नाथपुरी से 200 किलोमीटर के अप्रोक्स है, दूर है मतलब। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ एक रोड के चक्कर में बस, कि वो रोड इतनी घटिया थी ना गाइस, मतलब हद से ज़्यादा घटिया। मतलब वहाँ पे फोर लेन का काम चल रहा है तो बहुत स्लो चलाना पड़ रहा था गाड़ी, 30-40 पे ही आए हैं, बहुत धीरे चलाया। मतलब 400 किलोमीटर का सफ़र जो है ना, हमने 200 किलोमीटर उससे घटिया रोड पे, मतलब कितना होता है 200 किलोमीटर यार, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई मेरे को। तो अब हम सोच रहे हैं कि डिनर करते हैं, देन आफ्टरवर्ड हम पुरी जाने का प्लान है। उससे पहले पड़ता है अपना कौन सा, भुवनेश्वर पड़ता है, ये इनका प्लान था कि भुवनेश्वर रुकेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि यार पुरी चलते हैं डायरेक्ट, एक बार एक रन में निकलते हैं सीधे। तो अभी पुरी जाते हैं, पहले खाना खाते हैं, 11 के समथिंग हो गया टाइम, तो बस पहुंच जाएंगे जल्दी। अभी तो हाईवे ठीक है तो कर लेंगे हम मैनेज। तो गाइस मिलता हूं मैं अभी आपको डायरेक्ट गाड़ी में, या सीधे रूम पे मिलेंगे जब हम चेक इन करेंगे। ओके गाइस, तो जब तक आप वेट कीजिए। 2 hours later सो फाइनली गाइस, भाई बहुत अभी देखो गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि भाई पुरी हम आ चुके हैं गाइस। बहुत ज्यादा गूज बम्स आ रहा है भाई, समुद्र किनारे आ गए भाई, बहुत ज्यादा लेट हो गए। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको हम कितने चल गए हैं, 1192 किलोमीटर चला ली भाई गाड़ी आज, काफी ज्यादा गाड़ी चला ली। तो अभी भाई साहब चलते हैं आगे, पूरी एंटर होने वाले हैं जस्ट हम, तो मैं मिलता हूँ आगे। और भाई गूज बम्स गाइस बहुत ज्यादा, ये देखो अपने भारत का तिरंगा दिख नहीं रहा क्या, हाँ ये देखो, ये देखो, यह मस्त लग रहा है ना।